Welcome back to all of you guys. Welcome in another video of MS Biology. In this video lecture, I will discuss about the remaining part of the previous lecture, that is the proteins. So in this video lecture, I am going to discuss about the classifications of amino acids on the basis of their R group and the protein structures and their classifications, like as a primary, secondary, tertiary and quaternary, and their unique features and their properties. Okay, so one thing more I would like to announce here: if you are going to appear for the KBS PT biotechnology and want to join online classes, so you can call on this number, that is 8318917792. तो अगर आप केवीएस पीजीटी बायोटेक्नोलॉजी का प्रिपरेशन कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस गिवन नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और आपकी जो भी क्वेरी होगी उसके लिए प्रॉपर आपको गाइडलाइन दिया जाएगा. ओके, सो स्टार्ट करते हैं बेसिकली अमीनो एसिड के क्लासिफिकेशंस को. सो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि अमीनो एसिड जो है उनको क्लासीफाई किया गया उनके आर ग्रुप के बेसिस पे, ऐसे आर ग्रुप जो कि जिनका नेचर कैसा होगा, दैट इज द एलिफेटिक. सो एलिफेटिक क्या होते हैं, जो कि स्ट्रेट चेन होते हैं हाइड्रोकार्बन के. तो आर जो ग्रुप होगा उसका एलिफैटिक अगर नेचर होगा तो उनके बेसिस पे अमीनो एसिड को क्लासिफाई किया गया. ये हैं आपके एलिफैटिक के वाले अमीनो एसिड, दैट इज द ग्लाइसिन, एलानिन, वैलिन, ल्यूसिन, आइसोलिसिन, प्रोलिन एंड मेथियोनिन, राइट. तो इनके लिए आप शॉर्ट टर्म या फिर कोई टिक भी बना सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको मैं बताऊँ यहाँ पे गालवी पीएम के नाम से, तो आप इसको अच्छे से याद रख सकते हैं, राइट. तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दैट मीन्स G for glycine, A for alanine and L for leucine, V for valine, I for isoleucine, P for proline और M for methionine. तो गालवी PM आप इसको ट्रिक याद रख सकते हैं ताकि आपसे एग्जाम में जब भी कभी भी सवाल पूछा जाए ऐसे टाइप के आपके अमीनो एसिड देकर के पूछा जाए कि एलिफैटिक अमीनो एसिड कौन से हैं, तो आप इस ट्रिक को याद रखिए. तो यहाँ पे आपके पास दो, दो चार, दो छः, एक सात अमीनो एसिड ऐसे हैं जो कि एलिफैटिक अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि उनका जो आर ग्रुप है वो क्या है, एलिफैटिक है. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इनको याद करने का भी तरीका बहुत अच्छा है. आप स्ट्रक्चर उसको बनाएंगे तो ये आपका ग्लाइसिन है जहाँ पे आर ग्रुप क्या है, एच है. दूसरे वाले में आपका सी एस थ्री हो गया, मतलब एक कार्बन जुड़ गया. तीसरे वाले में आप यहाँ पे देखिए कि ये सी एस टू, मतलब ये दो कार्बन आपके ऐड हुए हैं. इस तरीके से आप यहाँ पे देखेंगे सिर्फ ब्रांचिंग होती जा रही है, तो नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन की जो चेन है उसमें नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन बढ़ते जा रहे हैं और इस हिसाब से उनका आर ग्रुप पे क्या हो रहा है, चेंज होता जा रहा है. ओके, तो आपने देखा कि बेसिकली एलिफैटिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या है, उनका शॉर्ट टिक आपको क्या है, आप इसको याद रख सकते हैं. आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बना सकते हैं, वैसे मैंने आपकी सुविधा के लिए एक यहाँ पे कोटेशन दे दिया है. दूसरा है, दैट इज एरोमेटिक, मीन्स ऐसे अमीनो एसिड जिनका की जो आर ग्रुप है वो कैसा है, एरोमेटिक है. ये मोस्ट कॉमनली फ्रीक्वेंटली एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं. तो यहाँ पे तीन आपके अमीनो एसिड्स आते हैं, दैट इज द ट्रिप्टोफैन, टायरोसिन एंड फेनाइल एलानिन. ये आपके तीन हैं जिनका आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि एरोमेटिक रिंग है. ये भी आपकी क्या है, एरोमेटिक रिंग है, और ये भी क्या है आपका, एरोमेटिक रिंग है. ओके, तो ये आपके तीन अमीनो एसिड्स हैं जो कि काफ़ी बायोलॉजिकली इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं. अभी यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं, आगे वाले स्लाइड्स में आप देखेंगे कि बेसिकली इनका क्या इंपॉर्टेंस है बायोलॉजिकल सिस्टम में. तो इनको भी आप इस तरीके से याद कर सकते हैं. तो पहला आपका क्या हो जाएगा, दैट इज द टायरोसिन, जिसके लिए आप सिंबल थ्री वर्ड का यूज करते हैं. दूसरा आपका हो जाएगा ट्रिप्टोफैन, जिसके लिए आप टी आर वाई यूज करते हैं. और तीसरा आपका है फिनाइल एलानिन, जिसके लिए आप पी एच ई यूज करते हैं. तो आप इनको भी अच्छे से याद रखिए ताकि आपसे एग्जाम में जब सवाल पूछे जाए तो कोई प्रॉब्लम आपको ना हो लगाने में. तो एलिफैटिक और एरोमेटिक अमीनो एसिड के बाद अब आपका आता है, दैट इज द पोलर और नॉन पोलर के रूप में. तो पोलर अनचार्ज, पोलर का मतलब होता है जिनमें बॉन्ड में क्या हो, पोलरिटी हो, दैट मीन्स बॉन्ड पोलराइज हो और वो वाटर में क्या हो, सॉल्युबल हो. बट यहाँ पे क्या है, चार्ज नहीं हो, कोई चार्ज बियरर नहीं है. तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे क्या है, OH ग्रुप है जो कि पोलरिटी क्रिएट करेगा. यहाँ पे भी क्या है आपका OH है, यहाँ पे क्या है आपका SH है, यहाँ पे क्या है आपका NH2 है, यहाँ पे भी क्या है आपका NH2 है. तो ऐसे ग्रुप जो कि पोलर होते हैं उनके प्रेजेंस होने की वजह से इसको हम पोलर आर ग्रुप के नाम से भी जानते हैं. तो बेसिकली ऐसे अमीनो एसिड्स जिनका आर ग्रुप कैसा है, पोलर है और अनचार्ज है, वो कौन कौन से हैं, सेरीन है, थ्रियोनिन है, सिस्टीन है, एस्पराजीन है और ग्लूटामेट है. तो ये आपके पांच अमीनो एसिड्स हैं जो कि इस कैटेगरी में आते हैं. नेक्स्ट आपका जो क्लासिफिकेशन दिया गया, दैट इज द ऐसे अमीनो एसिड जिनका क्या हो, चार्ज हो और पोलर साइड चेन, मीन्स आर ग्रुप जो हो कैसा हो, पोलर भी हो और चार्ज भी हो. यहाँ पर आपको जो बताया गया वो कैसा है, पोलर तो है बट ये आपका अनचार्ज है. यहाँ पे क्या होगा, चार्ज होगा, मीन्स ऑलरेडी यहाँ पे चार्ज दिखेंगे आपको. जैसे देखिए
यहाँ पर आपको दिख रहा है कि NH3 पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे आप देखिए NH2 पे क्या है, यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे भी आप देखिए तो पॉजिटिव चार्ज है, राइट। तो इस तरीके से आप यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो इस तरीके से आपको दिख रहा है कि ये ऐसे वाले अमीनो एसिड्स होते हैं जो कि इनका जो ग्रुप है वो कैसा पोलर है, पोलर के साथ साथ में चार्ज भी यहाँ पे पाया जा रहा है। ओके, तो आप यहाँ पे देख लीजिए कौन कौन से हैं। तो लाइसिन है, आर्जिनिन है, हिस्टिडीन है, एस्पार्टेट है और ग्लूटामेट है। तो इनको कैटेगराइज किया गया दो पार्ट में, पहला जो कि पॉजिटिव चार्ज बियरर होते हैं, दूसरा जो कि नेगेटिव चार्ज बियरर होते हैं। तो सबसे ज्यादा जो मोस्ट फ्रिक्वेंटली आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है वो नेगेटिव चार्ज के लिए। तो एस्पार्टेट को हम एस्पार्टिक एसिड भी बोलते हैं, ग्लूटामेट को ग्लूटामिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। तो ग्लूटामेट, एस्पार्टिक एसिड या ग्लूटामेट और एस्पार्टेट, ये दो आपके क्या है, नेगेटिवली चार्ज अमीनो एसिड की कैटेगरी में आते हैं। और ये वाले जो होते हैं आपके लाइसिन और आर्जिनिन, इसका सबसे ज्यादा जो रोल होता है कहाँ पे, हिस्टिडीन हिस्टोन प्रोटीन्स में। और हिस्टोन प्रोटीन्स जो कि डीएनए से बाइंड करता है, और डीएनए चूंकि नेगेटिवली चार्ज होता है और ये पॉजिटिवली चार्ज होता है, तो वहां पे जाकर के बहुत अच्छे से इनकी बाइंडिंग होती है, जिसकी वजह से डीएनए का सुपर कॉइलिंग हो पाता है। और इतना लार्ज सा थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होता है डीएनए का, वो छोटे से न्यूक्लियस के साइज में क्या होता है, अरेंज, कॉम्पैक्टली अरेंज होता है। तो ये ऐसे अमीनो एसिड्स हैं जो कि हिस्टोन प्रोटीन्स के मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। 30-40% जो हिस्टोन प्रोटीन्स होती है वो लाइसिन और आर्जिनिन से बनी हुई होती है। आपसे कई बार ये कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं कि हिस्टोन प्रोटीन्स में सबसे हाईएस्ट अमाउंट में पाए जाने वाले जो अमीनो एसिड्स हैं वो कौन कौन से हैं। सो आंसर इज दैट इज लाइसिन एंड आर्जिनिन। और यहाँ पर आप देखेंगे एस्पार्टेट एंड ग्लूटामेट जो कि नेगेटिवली चार्ज क्या है आपका, अमीनो एसिड्स है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनको उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पे क्लासिफाई किया गया, एलिफेटिक एरोमेटिक, इसके बाद पोलर एंड नॉन पोलर, और उसके बाद पोलर में अभी आपका दो कैटेगरी, दैट इज चार्ज एंड अनचार्ज। तो आप इनको अपने कॉपी पे अच्छे तरीके से नोट्स बना लीजिए और उनको कैटेगराइज कर लीजिए कि कौन कौन से पोलर में आते हैं, कौन कौन से नॉन पोलर में आते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे अब्सॉर्प्शन ऑफ यूवी विजिबल लाइट बाई एरोमेटिक अमीनो एसिड्स। नॉर्मली जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो कोई भी विजिबल लाइट को क्या करता है, अब्जॉर्ब नहीं करता है, राइट। जब आपको यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ाएंगे तो फिर आपको वहां पे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अभी शॉर्ट के लिए आप ये समझ लीजिए कि कोई भी मॉलिक्यूल्स स्पेक्ट्रोस्कोपी तब देता है जब उसके मॉलिक्यूल्स के जो एटम्स होते हैं उन एटम्स का जो इलेक्ट्रॉन होता है, उस इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन की जो एनर्जी होती है, जो स्ट्राइक कर रही है लाइट, उस लाइट की जो एनर्जी होती है अगर दोनों से मीट कर जाती है तब जाकर के वो लाइट क्या करता है, एब्जॉर्ब कर लेता है। तो जितने भी अमीनो एसिड्स होते हैं वो सभी के सभी बेसिकली क्या होते हैं, वो विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। लेकिन कुछ अमीनो एसिड्स हैं जिनको हम एरोमेटिक की कैटेगरी में रखते हैं, वो क्या करते हैं, यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो पहला सवाल तो आपसे यही पूछ दिया जाता है कि वो कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं। तो आंसर इज एरोमेटिक। और एरोमेटिक का आपने एग्जांपल अभी पीछे देखा, दैट इज द ट्रिप्टोफैन टायरोसिनोफेनाइन एनिलीन। सवाल यहाँ पे आता है कि ये एरोमेटिक के पास ऐसा क्या है जो कि बाकी लोगों के पास नहीं है, और ऐसा क्या है जो कि यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करने के लिए क्या है, रिस्पॉन्सिबल है। तो इन एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में आपने देखा कि बेसिकली यहाँ पे एरोमेटिक रिंग होती है, और इस एरोमेटिक रिंग में आप ये देखते हैं दैट इज द अल्टरनेट डबल बॉन्ड। तो अल्टरनेट ये जो डबल बॉन्ड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ पाई इलेक्ट्रॉन या पाई बॉन्ड, राइट। तो पाई बॉन्ड में पार्टिसिपेट करने वाले इलेक्ट्रॉन को हम पाई इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। तो ये जो पाई बॉन्ड होता है ये बेसिकली डीलोकलाइज होता रहता है, मतलब ये यहाँ से यहाँ भी आ सकता है, ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, और ये यहाँ से यहाँ भी जा सकता है, राइट। तो इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एक्साइटेशन एनर्जी होती है, और जो यूवी लाइट यहाँ पे स्ट्राइक किया जाता है, तो यूवी लाइट की जो लाइट की एनर्जी है और पाई इलेक्ट्रॉन की जो एक्साइटेशन एनर्जी, ये दोनों आपस में क्या करते हैं, मीट कर जाती है। मींस व्हाट, यूवी लाइट की जो एनर्जी है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को उनके ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में ले जाने के लिए क्या है, कैपेबल होती है। दैट इज वाई ये क्या करते हैं, ये एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा शो करते हैं, तो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि बेसिकली जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो क्या होते हैं, कलरलेस होते हैं, उनके कोई कलर नहीं होता, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ये विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करते हैं। डू नॉट एब्जॉर्ब विजिबल लाइट, बट टायरोसिन ट्रिप्टोफैन फेनिलएलनिन एब्जॉर्ब लाइट एट 280 नैनोमीटर एंड 257 नैनोमीटर रिस्पेक्टिवली। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि सारे जो अमीनो एसिड्स होंगे वे विजिबल लाइट को एब्जॉर्ब नहीं करेंगे, लेकिन एरोमेटिक जो अमीनो एसिड्स होते हैं वो यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं 280 नैनोमीटर पे
or 257 nanometer. Sorry. तो आपका जो टायरोसिन होगा और ट्रिप्टोफैन होगा ये दोनों किस पे करेंगे, 280 पे करेंगे, हाईएस्ट एब्जॉर्प्शन शो करेंगे, जबकि फेनिलएलनिन जो होगा वो किस पे करेगा, 257 पे। तो आपसे यहाँ से भी सवाल पूछे जाते हैं। पहला तो यही पूछा जाता है कि कौन कौन से अमीनो एसिड्स हैं जो कि विजुअल यूवी लाइट को अब्जॉर्ब करते हैं। अगर आपको ये पता चल गया तो फिर आपसे ये पूछा भी जाता है कि किस वेवलेंथ पे या किस वेवलेंथ के रेंज में बेसिकली सबसे मैक्सिमम हाई एब्जॉर्बेंस होती है। तो इसके लिए आप यहाँ पे ये ग्राफ देखिए और इस ग्राफ को अच्छे से अपने माइंड में सेट कर लीजिए आपको, ताकि समझने में और एग्जाम में प्रॉब्लम को सॉल्व करने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो ये आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि बेसिकली ये वेवलेंथ रेंज है और ये ओडी की वैल्यू है, दैट मीन्स ऑप्टिकल डेंसिटी मीन्स एब्जॉर्बेंस लेने वाली। तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि जो ब्लैक लाइन है वो बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करता है, फेनिलएलनिन को, और जो रेड लाइन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, ट्रिप्टोफैन को, और जो टायरोसिन है वो किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब ब्लू लाइन जो है वो टायरोसिन को, राइट। तो आप यहाँ पे देखिए कि इसकी जो अब्जॉर्बेंस है वो लगभग यहाँ पे दिखाई दे रही है, तो ये जो वैल्यू आपको निकल करके आई है वो क्या आई है, 257 आई है, राइट। तो 257 की वैल्यू समथिंग यहाँ पे होगी। तो 257 पे फेनिलएलनिन की सबसे अब्जॉर्बेंस क्या होगी, मैक्सिमम होगी, जबकि 280 पे आपको दिखाया जा रहा है किसका, दैट इज द ट्रिप्टोफैन एंड टायरोसिन का, कि इनकी अब्जॉर्बेंस सबसे क्या होती है, मैक्सिमम होती है। ओके, तो ये इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। तो इस तरीके से अमीनो एसिड्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट था कि अमीनो एसिड्स क्या होते हैं, क्या इनकी प्रॉपर्टी होती है, क्यों इनको एम्फेटोरिक बोलते हैं, क्यों इनको जिटर आयन बोलते हैं, आइसोलेटिक पॉइंट का क्या कॉन्सेप्ट होता है, पीएच और आइसोलेटिक पॉइंट में क्या रिलेशन होते हैं, ये सारा सब कुछ आपको पहले वाली वीडियो में बता चुका हूँ। तो अब हम लोग आते हैं प्रोटीन्स पे। तो बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड एक ऐसा बॉन्ड होता है जो दो अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो वहां पे क्या होता है, ये बनता है। तो आप ये कह सकते हैं कि बेसिकली जो प्रोटीन्स होते हैं उनमें कई सारे पेप्टाइड बॉन्ड बने हुए होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स क्या को जुड़ करके क्या बनाते हैं, प्रोटीन्स बनाते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड क्या है और कहाँ कहाँ पे बनता है, क्या इसकी प्रॉपर्टी होती है, ये सब कुछ हम लोग जानेंगे, सब कुछ हमको अच्छे से समझेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल ज्यादा बनते हैं। तो पेप्टाइड बॉन्ड इज फाउंड बिटवीन द अमीनो नाइट्रोजन ऑफ वन अमीनो एसिड्स एंड कार्बोक्सिलिक कार्बन ऑफ अनदर अमीनो एसिड्स। ओके, तो इस स्टेटमेंट को समझने के लिए हम लोग पहले यहाँ पे देख लेते हैं एक फिगर, जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको दिखाया जा रहा है कि मान लीजिए सपोज आपका एक अमीनो एसिड ये है, इसको नंबर एक कर देते हैं, दूसरा आपका हम ये कर देते हैं। तो एक अमीनो एसिड्स का जो आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप का जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, मीन्स ये इस तरीके से दिख रहा है, और दूसरे वाले का जो आपका NH2 ग्रुप है आपको ये दिखाया जा रहा है, राइट। तो एक कार्बन मतलब ये अल्फा कार्बन हो गया, तो इस अल्फा कार्बन का ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप और ये आपका NH2 ग्रुप, ऐसे ही अल्फा कार्बन आपका ये हो जाएगा, तो ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप और इसके साइड में आपका ये NH2 ग्रुप। तो एक अमीनो एसिड्स की जो अमाइन वाले हाइड्रोजन है वो, और दूसरे अमीनो एसिड्स के कार्बोक्सिलिक वाले जो है वो हाइड्रोक्सिल, तो ये हाइड्रोक्सिल और हाइड्रोजन मिलकर के क्या बनाएगा, आप यहाँ पे H2O क्या बनाएगा, H2O। तो यहाँ पे H2O क्या होगा, रिलीज हो जाएगा। अब इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में क्या बनेगा, बॉन्ड बन जाएगा। तो आप ध्यान दीजिए कि ये डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ पे प्रेजेंट ऑलरेडी है, सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन आपका प्रेजेंट यहाँ पे ऑलरेडी है। तो इस कार्बन और नाइट्रोजन के बीच जो नया बॉन्ड बना, उसी बॉन्ड को नाम क्या दिया गया, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड किसके किसके बीच बना, अल्फा कार्बन के बाद जो कार्बोक्सिलिक कार्बन है वो, और अल्फा कार्बन के बाद जो अमाइन नाइट्रोजन है वो। तो अमीन का नाइट्रोजन और कार्बोक्सिलिक का कार्बन, इन दोनों के बीच बनने वाले बॉन्ड को नाम क्या दिया जाता है, दैट इज द पेप्टाइड बॉन्ड। तो पेप्टाइड बॉन्ड की जो फीचर्स हैं, जो प्रॉपर्टी है, वो क्या क्या है, आप उनको ध्यान से देखिए। पहला तो आपको यहाँ पे दिखाया गया कि जैसा कि यहाँ पे H2O मॉलिक्यूल्स का रिलीज होता है, दैट इज वाई इसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन काइंड ऑफ रिएक्शंस। चूंकि यहाँ पे दो अमीनो एसिड्स मीन्स दो मॉलिक्यूल्स जुड़ करके एक सिंपल मॉलिक्यूल, एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन करते हैं, दैट इज वाई इसको हम कंडेंसेशन रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। तो ये रिएक्शन जो हुआ वो कैसा टाइप का हुआ, कि डिहाइड्रेशन रिएक्शंस और कंडेंसेशन टाइप्स, मीन्स डिहाइड्रेशन हुआ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल का रिलीज हुआ, और कंडेंसेशन क्योंकि यहाँ पे दो मॉलिक्यूल्स मिलकर के एक कंडेंस होकर के एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन किए, राइट। तो और दूसरा चीज स्टेटमेंट आपको यहाँ पे दिया गया, इट इज अ एंडरगोनिक प्रोसेस। एंडरगोनिक का मतलब होता है कि जब किसी भी रिएक्शंस के लिए डेल्टा जी मीन्स गिव्स फी एनर्जी की जो वैल्यू होती है वो बेसिकली क्या हो जाए, दैट इज द पॉजिटिव हो जाए, मीन्स वहां पे एनर्जी क्या हो, इन्वॉल्व हो जाए, तो ऐसे प्रोसेस को हम एंडरगोनिक बोलते हैं,
एक्सोथर्मिक और एंडरगोनिक, या एंडरगोनिक या एंडोथर्मिक, ये दोनों अलग अलग होते हैं। थर्मिक का मतलब होता है जहाँ पे हीट की रेफरेंस से बात की जाती है, और गोनिक का मतलब होता है जहाँ पे एनर्जी की बात की जाती है। तो यहाँ पे एनर्जी के रेफरेंस से बात किया जा रहा है। एंडरगोनिक का मतलब होता है कि एनर्जी यहाँ पे क्या होगी, लगेगी, मीन्स डेल्टा जी की जो वैल्यू होगी इस प्रोसेस के लिए वो क्या होगा, दैट इज द पॉजिटिव वैल्यू होगी। तो पॉजिटिव वैल्यू का मतलब बताता है दैट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ एनर्जी, राइट, मीन्स एनर्जी का क्या होगा, इनपुट होगा, इनपुट ऑफ एनर्जी मीन्स ई। ओके, तो जब भी कोई पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा तो वहां पे एनर्जी की क्या होगी, रिक्वायरमेंट होगी। तो पहला प्रॉपर्टी आपने क्या देखा कि कार्बोक्सिलिक का कार्बन और अमीनो का नाइट्रोजन, इन दोनों के बीच में जो बॉन्ड बनेगा उसे आप पेप्टाइड बॉन्ड बोलेंगे, और उसका टाइप कैसा होगा, डिहाइड्रेशन और कंडेंसेशन। तीसरा आपने प्रॉपर्टी देखा कि ये एक इंटरगोनिक रिएक्शन होगा, मीन्स यहाँ पे एनर्जी लगेगी, और इसके लिए जो डेल्टा जी की वैल्यू होगा वो क्या होगा आपका, दैट इज द पॉजिटिव साइन में होगा। और ये जो सिंगल बॉन्ड आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है कार्बन नाइट्रोजन के बीच में, जो कि सिंगल सिंगल दिख रहा है, लेकिन उसके पास पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है। पार्शियल का मतलब कि फुल्ली आपको दिखेगा नहीं, लेकिन उसके पास डबल बॉन्ड का कैरेक्टर है, और परसेंटेज कितना है, दैट इज द 40%। ओके, और ये डबल बॉन्ड जो कैरेक्टर होता है यही बेसिकली उसको क्या बनाता है, रिजिड एंड प्लैनर बनाता है। दैट मीन्स इस बॉन्ड पे पूरा 180 एंगल पे रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है। इसका क्या सिग्निफिकेंस है आगे हम लोग भी डिस्कस करेंगे। इसके बाद आपको दिखाया जा रहा है कि ये जो कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में पेप्टाइड बॉन्ड जो बना हुआ है, ये बेसिकली क्या होता है, नॉर्मल जो कार्बन नाइट्रोजन होते हैं उनके कंपेरिजन में इस बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है वो छोटी होती है, राइट। मीन्स क्या कहना चाह रहा है कि नॉर्मली अगर किसी कंपाउंड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है, और जो पेप्टाइड बॉन्ड में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में बॉन्ड बना हुआ है, तो पेप्टाइड वाले केस में ये वाला जो बॉन्ड होगा, इस बॉन्ड की लेंथ क्या होगी, छोटी होगी, जबकि नॉर्मल कंडीशन में बॉन्ड की लेंथ क्या होती है, ज्यादा होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि इसके पास क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर, क्या है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पे जो इस कार्बोक्सिलिक, ये देखिए ध्यान से, इस वाले पे कार्बन के पास यहाँ पे क्या है आपका, ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन के पास क्या होता है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है ये बेसिकली रेजोनेंस की प्रोसेस में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है। तो रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन। जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला आप इलेक्ट्रॉन, ये वाला इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा, यहाँ पे आ जाएगा। तो बेसिकली यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का शिफ्ट हो जाने की वजह से यहाँ पे टेम्पोररीली मीन्स पार्शियल फॉर्म में क्या होता है, डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाते हैं। तो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन ऑक्सीजन ऑफ पेप्टाइड कार्बन, मतलब जो पेप्टाइड बॉन्ड में इन्वॉल्व होने वाला कार्बन है, उस कार्बन के पास जो ऑक्सीजन एटम है, उस ऑक्सीजन के पास क्या है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। उसी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के का रेजोनेंस की प्रोसेस में इन्वॉल्वमेंट होने की वजह से जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है उसके पास क्या होता है, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होने की वजह से जो पूरा बॉन्ड का रोटेशन होता है 180 एंगल पे, 180 एंगल पे रोटेशंस क्या होता है, रेस्ट्रिक्टेड होता है, मींस पूरी तरीके से रोटेट नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आपको लिख भी रखा है कि रोटेशन ऑफ ए पेप्टाइड बॉन्ड इज रेस्ट्रिक्टेड, मीन्स पूरी तरीके से फुल्ली ये 180 एंगल पे रोटेट नहीं कर पाएगा। ओके, तो आपने देखा कि पेप्टाइड बॉन्ड क्या है, उसकी केमिकल जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, किस तरीके का वो रिएक्शन फॉलो करता है, और क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो आपको यहाँ से 4 से 5 पॉइंट की निकल करके आते हैं। नंबर पहला, कार्बोक्सिलिक और अमीन का जो नाइट्रोजन होता है उनके बीच में रिएक्शंस होते हैं जहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड बनता है। दूसरा, ये आपका कंडेंसेशन और डिहाइड्रेशन रिएक्शन का टाइप होते हैं। तीसरा, ये एक इंटरगोनिक प्रोसेस होता है जिसके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या होती है आपकी, पॉजिटिव होती है। चौथा, इसके पास डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है पार्शियल ड्यू टू द रेजोनेंस प्रोसेस। और रेजोनेंस क्यों हो रहा है, क्योंकि उसके कार्बोक्सिलिक का जो ऑक्सीजन है उसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, और उसी इलेक्ट्रॉन की वजह से क्या होता है आपका, रेजोनेंस स्ट्रक्चर फॉलो होता है। तो रेजोनेंस क्या है, अगर आपको ये समझ में नहीं आया है तो आप कहीं से अच्छे से समझ लीजिए। वैसे सिंपली रेजोनेंस का मतलब होता है कि जो लोन पेयर ऑफ, मतलब जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं या लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, उनका जो डीलोकलाइजेशन हो जाता है। जैसे अगर आप बेंजीन रिंग की बात करें तो बेंजीन रिंग में कुछ इस तरीके से आपको दिखता है कि ये वाले इलेक्ट्रॉन्स अगर यहाँ पे पार्टिसिपेट करते हैं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है, फिर इलेक्ट्रॉन्स ये क्या करता है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। इस तरीके से आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है, राइट। तो रेजोनेंस के स्ट्रक्चर की वजह से पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है, और ये इनकी बॉन्ड की लेंथ जो होती है कार्बन और नाइट्रोजन के नॉर्मल बॉन्ड से क्या होती है, शॉर्टर होती है, मींस छोटी होती है, और पेप्टाइड बॉन्ड पूरी तरीके से रोटेट करने के लिए फ्री नहीं होता है, राइट। तो
उसी पेप्टाइड बॉन्ड का जो रोटेशन है जो कि रेस्ट्रिक्टेड हो जाता है, दैट मीन्स पूरी तरीके से फ्री फॉर्म में रोटेट नहीं कर सकता है, उस चीज को एक्सप्लेन करने के लिए रामचंद्रन ने क्या किया, एक प्लॉट दिया और उसी को हम रामचंद्र प्लॉट के बारे में जानते हैं, मतलब उसी को रामचंद्र प्लॉट हम बोलते हैं। तो रामचंद्र प्लॉट क्या बोलता है और क्या ये कहता है, पहले आप इसको समझ लीजिए और आपको एक यहाँ पे डायग्राम दिखाते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये देखना है कि बेसिकली जो पेप्टाइड बॉन्ड है वो कहाँ कहाँ बन रहा है। पहले अमीनो एसिड का ये अल्फा कार्बन है और ये इसका कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, राइट। तो कार्बोक्सिलिक का कार्बन, दूसरे वाले अमीनो एसिड का ये अल्फा कार्बन है, ये इसका अमीनो ग्रुप है। तो एक अमीनो एसिड का नाइट्रोजन और दूसरे अमीनो एसिड का कार्बोक्सिलिक का कार्बन, इसके बीच में जो बॉन्ड बना उसको क्या बोलते हैं, पेप्टाइड बॉन्ड। जबकि अल्फा कार्बन और अल्फा कार्बन और ये कार्बोक्सिलिक का कार्बन का जो बॉन्ड होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द साई बॉन्ड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, साई, PSI। आप इसको याद भी रख सकते हैं, साई मीन्स सी। तो अल्फा कार्बन और कार्बन के पीछे बनने वाले बॉन्ड को, मतलब अल्फा कार्बन और कार्बन के बीच के बॉन्ड को क्या बोलते हैं, साई, ठीक। और अल्फा कार्बन और नाइट्रोजन के बीच को बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दैट इज द पाई। और आपका क्या होगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच की बॉन्ड को क्या बोलते हैं, दैट इज द पेप्टाइड। तीन बॉन्ड यहाँ पे आपको दिखाए जा रहे हैं। तो चूंकि ये प्योरली सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं तो यहाँ पर आपको दिखाया जा रहा है कि इनका रोटेशन 180 एंगल पे पॉसिबल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है, ये भी रोटेट कर पाते हैं। लेकिन चूंकि यहाँ पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होता है जिसकी वजह से इस बॉन्ड के एक्सिस पे पूरी तरीके से मॉलिक्यूल्स का रोटेशन पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो ये कितना अलाउ करता है और कितना ये रोटेट हो सकता है इन बॉन्ड को, मीन फाई और साई के रेफरेंस में, रामचंद्रन प्लॉट ने यही बताने की कोशिश की थी अपने प्लॉट में कि जो फाई और साई बॉन्ड होता है या जो एंगल होता है उनको वो कितना अलाउ करते हैं और किसी प्रोटीन्स के लिए कितना फेवरेबल कंडीशंस होता है, किस रीजन पे वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं एनर्जेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, यही बताने की कोशिश उन्होंने किया था। तो रामचंद्रन प्लॉट क्या बताता है, दैट इज द वे टू विजुअलाइज एनर्जेटिकली अलाउड रीजन फॉर अ बैकबोन डाईहेड्रल एंगल फाई एंड साई एंड फाई ऑफ अमीनो एसिड रेसिड्यूज इन प्रोटीन स्ट्रक्चर। किसी भी प्रोटीन के स्ट्रक्चर में फाई और साई बॉन्ड का कितना अलाउड रीजन है एनर्जेटिक के पॉइंट ऑफ व्यू से, इसी को बताने के लिए रामचंद्रन ने क्या किया था, प्लॉट दिया था, जिसको हम रामचंद्र प्लॉट के नाम से जानते हैं। उसका सिग्निफिकेंस क्या है, आप यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये जो एक्सिस है उसमें वैल्यू आपको दी गई -180 से लेकर के फाई का जीरो तक, और जीरो से लेकर के +180 तक का फाई का ये वाली वैल्यू, मतलब ये वाला जो एक्सिस है वो -80 से लेकर के +80 शो करता है, जबकि ये वाली जो एक्सिस है वो -180 से लेकर के +180 तक का साई की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे रामचंद्र प्लॉट में क्या है, चार बॉक्सेस आपको दिए गए हैं, लेफ्ट एंड राइट, राइट दो आपके लेफ्ट में, जिस तरीके से आप हार्ट पढ़ते हैं, लेफ्ट ओरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट ओरिकल, राइट वेंट्रिकल, वैसे ही आपको यहाँ पे चार बॉक्सेस दिखाई दे रहे हैं। आपसे जो रामचंद्र प्लॉट से सवाल पूछे जाते हैं वो क्या पूछे जाते हैं, यही आपको दे दिया जाएगा कि रामचंद्र प्लॉट में अगर कोई प्रोटीन्स का जो अलाउड रीजन आता है आपका, अगर यहाँ पर अगर आएगा, ये आपका क्या कहलाएगा, राइट का क्या कहलाएगा, आपका टॉप कहलाएगा, राइट टॉप है और ये आपका राइट लोअर है, और ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट टॉप कहलाएगा, और ये आपका क्या कहलाएगा, लेफ्ट लोअर मीन्स लेफ्ट बॉटम कहलाएगा, ओके। तो आप यहाँ पे देखिए, ये वाला जो बॉक्स है वो रिप्रेजेंट क्या करता है, दैट इज लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को रिप्रेजेंट करता है। मींस किसी प्रोटीन का अगर रामचंद्र प्लॉट में जो अलाउड रीजन आपका इस वाले बॉक्स के अंदर में अगर आता है, तो इसका मतलब क्या होता है कि उस प्रोटीन्स में जो प्रोटीन का कन्फॉर्मेशन है वो कैसा है, लेफ्ट हैंडेड है और क्या है, सबके सब अल्फा हेलिक्स हैं। तो ये वाला जो बॉक्स हो है रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज द लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, जबकि ये वाला जो होता है वो रिप्रेजेंट किसको करता है, बीटा प्लेटेड सीड्स को, ओके। और ये वाला रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज द राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन उल्टा है, ये लेफ्ट हैंड साइड का है आपको राइट रिप्रेजेंट करता है, जबकि ये राइट होता है और ये लेफ्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप यहाँ पे देखिए, ओरिजिन से पहला वाला जो बॉक्स होगा वो बेसिकली राइट हैंडेड अल्फा हेलिक्स को, इसके बाद इधर की तरफ जाएंगे तो बीटा, यहाँ पे जाएंगे तो आपका लेफ्ट हैंडेड अल्फा हेलिक्स, और ये जो रीजन होता है वो नॉट अलाउड रीजन माना जाता है। क्या माना जाता है, नॉट अलाउड रीजन, मतलब किसी भी प्रोटीन में कोई भी जो फाई एंड साई बॉन्ड होते हैं उनकी रोटेशन इस वाले रेंज में नहीं आती है।
तो यही बताता है आपका रामचंद्र प्लॉट कि रामचंद्र प्लॉट क्या है और किस तरीके से ये कन्फॉर्मेशंस को या उनके बॉन्ड अलाउड रीजन को बताता है। तो मैंने आपको इम्पोर्टेंट जो चीज थी यहाँ पे बता दिया और आपके एग्जाम में सवाल भी आपसे यही पूछे जाते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं प्रोटीन के स्ट्रक्चर पे। तो प्रोटीन के स्ट्रक्चर बेसिकली बॉन्ड के इन्वॉल्वमेंट से मीन्स डिफरेंट डिफरेंट जो लेवल ऑफ स्ट्रक्चर्स होता है वहाँ पे प्रोटीन्स में इन्वॉल्व होने वाले बॉन्ड का नंबर भी क्या होता है बढ़ता जाता है। उन्हीं के बेसिस पे और प्रोटीन के कन्फर्मेशंस के बेसिस पे प्रोटीन को बेसिकली स्ट्रक्चरली चार पार्ट में क्या किया गया, डिवाइड किया गया, दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स, टर्शियरी स्ट्रक्चर्स एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स। हम लोग देखेंगे कि ये प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का क्या मीन होता है और कौन कौन से केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल आपसे यहीं से पूछा जाता है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये एक लीनियर अरेंजमेंट होता है अमीनो एसिड्स का और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं। तो जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि कोई ये प्रोटीन है या पेप्टाइड है, यहाँ पे एक जो सर्कल है वो अमीनो एसिड को रिप्रेजेंट करता है, राइट। और दोनों अमीनो एसिड के बीच में जो डॉट आपको दिखाई दे रहा है ब्लैक वाला, वो क्या होगा, आपका पेप्टाइड बॉन्ड होगा। तो जब कोई भी प्रोटीन्स का जो पेप्टाइड है अगर वो सिर्फ लीनियरली अरेंज्ड हो अमीनो एसिड के फॉर्म में वहां पे और फर्दर कोई भी बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट ना हो सिवाय सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड के, तो वो स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा, दैट इज द प्राइमरी स्ट्रक्चर कहलाता है। सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली ये थोड़ा ज्यादा एडवांस फॉर्म होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर से और यहाँ पे कॉइलिंग अरेंजमेंट जो होती है वो ज्यादा सुपर होती है एज कम्पेयर टू द प्राइमरी के, और यहाँ पे बॉन्ड का इन्वॉल्वमेंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो यहाँ पे मोर कॉइल्ड फॉर्म ऑफ अ प्राइमरी स्ट्रक्चर आपको दिख रखा है और पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्ड क्या होता है, इन्वॉल्व हो जाता है। तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सबसे की एंड सबसे प्राइम जो रोल प्ले करता है वो कौन करता है, दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्ड। कई बार आपसे एग्जाम में ये सवाल पूछे गए हैं। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के दो सबसे कॉमन फॉर्म होते हैं, दैट इज द अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड्स। यहाँ पे हेलिक्स गलती से लिखाया हुआ है, तो अल्फा हेलिक्स एंड बीटा प्लीटेड सीड्स ये जो कि कॉमन फॉर्म है किसके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स के। तो अल्फा हेलिक्स क्या होता है और इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, बीटा प्लीटेड सीड्स क्या होते हैं, इनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, वन बाय वन हम लोग इसको देखेंगे। तो अल्फा हेलिक्स जैसा कि नाम से समझ आ रहा है आपको कि ये कब बनेगा, जब कोई पॉलीपेप्टाइड चेन जो होती है वो बेसिकली क्या करे, इस तरीके से जब ट्विस्टेड हो जाए इनटू हेलिकल के फॉर्म में, राइट। तो अगर कोई ये पॉलीपेप्टाइड चेन है और इस तरीके से वो हेलिक्स के फॉर्म में क्या हो जाए, ट्विस्ट हो जाए, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अल्फा हेलिक्स के नाम से जानते हैं। और ये रिजिड एंड रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिखाई देती है। पेप्टाइड बॉन्ड के अलावा आपको यहाँ पे क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड भी क्या रहता है, इन्वॉल्व रहता है। अल्फा जो हेलिक्स है वो राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड दोनों हो सकती है, बट आपका हमेशा जो नेचुरल प्रोटीन्स होती हैं उनमें जो इसका कन्फर्मेशन पाया जाता है, दैट इज द राइट हैंडेड, क्योंकि राइट हैंडेड जो होता है एनर्जेटिकली ज्यादा फेवरेबल माना जाता है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट हैंडेड के, ओके। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि अल्फा हेलिक्स का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है और क्या उसके फीचर्स होते हैं। तो देयर आर 3.6 अमीनो एसिड रेसिड्यूज पर हेलिक्स टर्न। अल्फा हेलिक्स का अगर आप स्ट्रक्चर पहले यहाँ पे देखें तो मान लीजिए ये एक इमेजिनरी एक्सिस है और इसी एक्सिस के चारों तरफ आपको ये ऐसे हेलिकल फॉर्म में यहाँ पे दिखाया जा रहा है। तो वन टर्न का मेजरमेंट का मतलब क्या हुआ कि इस एक्सिस पे एक बार जहाँ से स्टार्ट हो रहा है टर्निंग वहां से लेकर के और जब तक ये पूरा का पूरा साइकिल आपका ये ऐसे कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे, तो इसको क्या बोलते हैं, वन टर्न। तो यही आपको दिखा रहा है कि वन टर्न में मीन्स यहाँ से लेकर के यहाँ के बीच में जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स हैं वो कितने हैं, 3.6 अमीनो एसिड्स। रेसिड्यूज का मतलब होता है कि जब अमीनो एसिड्स पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं तो वहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल क्या होता है, निकल जाता है, उसको आप अमीनो एसिड रेसिड्यूज के नाम से भी जानते हैं। तो एक हेलिक्स टर्न में बेसिकली आपका जो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स होगा वो क्या होगा, 3.6 होंगे। और आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि दो अमीनो एसिड्स के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो 0.15 नैनोमीटर क्या है, होता है। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी लिख रखा है कि बेसिकली देयर आर 3.6 अमीनो एसिड्स पर हेलिक्स टर्न, पिच इज 0.54 नैनोमीटर और 5.4 एंगस्ट्रॉम। मींस यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो बेसिकली कितनी है, दैट इज द 5.4 एंगस्ट्रॉम, ओके। इसको बोलते हैं पिच। तो यहां पे 5.4 का डिस्टेंस है, 3.6 क्या है, नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो आप इनको डिवाइड करके ये वाली वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपसे यहाँ पे सवाल बनता है अल्फा हेलिक्स में, सपोज आपको दे दिया जाए कि कोई एक अल्फा हेलिक्स प्रोटीन है और प्रोटीन कन्फॉर्मेशन अल्फा हेलिक्स में है और वहां पे नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इतने हैं, तो आपसे पूछा जा सकता है कि उस अमीनो एसिड्स उस अल्फा हेलिक्स में कितने टर्न होंगे, या फिर आपसे टर्न देकर के नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स पूछे जाते हैं। तो यहाँ से न्यूमेरिकल सवाल भी बनता है।
तो न्यूमेरिकल सवाल के लिए मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख करके अल्फा हेलिक्स पे किस तरीके के न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं उसको आप देख सकते हैं। ओके, तो आपने देखा कि अल्फा हेलिक्स की प्रॉपर्टी क्या क्या होती है। नंबर पहला आपने देख लिया कि ये एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है, लेफ्ट हैंडेड एंड राइट हैंडेड में हो सकता है, बट ये आपका हमेशा राइट हैंडेड फॉर्म में होता है जो कि एनर्जेटिकली फेवरेबल होता है। और यहाँ पे एक हेलिक्स टर्न में 3.6 अमीनो एसिड्स पाए जाते हैं जिसकी डिस्टेंस 5.4 एंगस्ट्रॉम होती है और दो अमीनो एसिड के बीच का जो डिस्टेंस है वो 0.15 नैनोमीटर या 1.5 एंगस्ट्रॉम होता है। तो ये आपको अच्छे से याद रखना है। ओके, नेक्स्ट आते हैं बीटा प्लेटेड सीट्स। तो जैसा कि नाम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे सीट के को लेकर के, तो ये कब बनेगा कि जब टू और मोर पॉलीपेप्टाइड चेन जो साइड बाई साइड अगर अलाइंड हो जाए मीन्स आपस में जुड़ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बीटा प्लेटेड सीट्स। ओके, तो डिस्टेंस बिटवीन द टू अमीनो एसिड्स इज 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे आपने क्या देखा था, 1.5 एंगस्ट्रॉम जो कि जस्ट हाफ से भी क्या है, कम है, और यहाँ पे कहता होता 3.5 एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ से भी न्यूमेरिकल आपको बनते हैं। ओके, और बीटा प्लेटेड सीट्स जो होता है वो हो सकता है आपका पैरेलल भी हो सकता है और एंटी पैरेलल भी हो सकता है। इनका क्या मीन है आप यहाँ पे देख पाएंगे, और इन दोनों फॉर्म में से बेसिकली एंटी पैरेलल जो होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा क्यों, इसको हम लोग यहाँ पे ध्यान से समझते हैं। ओके, तो सबसे पहले पैरेलल और एंटी पैरेलल का मतलब क्या आप यहाँ पे समझ लीजिए। तो अमीनो एसिड्स में जैसा कि दो टर्न होता है, दैट इज एक सी टर्मिनल होता है और एक एन टर्मिनल होता है, राइट, जैसा कि आप जानते हैं सी फॉर कार्बोक्सिलिक और एन फॉर अमीनो। तो अगर दो अमीनो एसिड मतलब दो पेप्टाइड चैन का जो डायरेक्शन है वो बेसिकली क्या हो, सेम हो जाए, जैसे यहाँ पे आपको एरो दिखाई दे रहा सेम वाला, तो सपोज कीजिए ये भी इसका सी और एन है और इस वाले का भी आपका क्या हो जाए, ये सी और एन हो जाए। तो जब पेप्टाइड चैन का मीन्स दोनों पेप्टाइड चैन का ओरिएंटेशन मीन्स डायरेक्शन हो वो सेम डायरेक्शन में हो, दैट मीन्स दोनों के दोनों कार सी टर्मिनल एक साइड में हो, दोनों एन टर्मिनल क्या हो एक साइड में हो, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द पैरेलल। और जब क्या हो आपका एक सी एन हो और दूसरा क्या हो आपका एन सी हो, तो उसको क्या बोलेंगे, दैट इज द एंटी पैरेलल। तो एंटी पैरेलल वाले में आप देखिए कि जो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है वो ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में बना हुआ है, जबकि पैरेलल वाले में आप देखिए यहाँ पे डिस्टेंस ज्यादा है, क्रॉस टाइप में बना हुआ है। तो चूंकि हाइड्रोजन बॉन्ड एक वीकर बॉन्ड होता है और इसका डिस्टेंस बढ़ जाने से इसकी स्ट्रेंथ क्या होती है, कम हो जाती है। तो दैट इज वाई हम कह सकते हैं कि पैरेलल जो कन्फॉर्मेशन होता है बीटा प्लेटेड सीट्स का वो लेस स्टेबल होता है एज कम्पेयर टू द एंटी पैरेलल के। तो एंटी पैरेलल इज मोर स्टेबल देन पैरेलल बिकॉज की हाइड्रोजन बॉन्ड जो यहाँ पे बना हुआ है वो ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, ज्यादा क्लोज प्रॉक्सिमिटी में है एज कम्पेयर टू द पैरेलल के। तो आपने देखा कि सेकेंडरी जो स्ट्रक्चर्स होते हैं उनका क्या क्या फॉर्म हो सकता है और उनकी क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम लोग टर्सरी स्ट्रक्चर्स पे। तो टर्सरी स्ट्रक्चर्स बेसिकली सबसे ज्यादा एडवांस फॉर्म होता है और ये बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म भी माना जाता है। इस फॉर्म में आने के लिए प्रोटीन्स अपने सारे कन्फॉर्मेशन इस तरीके से चेंज करता है कि वो अब फंक्शनल हो सके। तो फंक्शनल स्टेट ऑफ अ प्रोटीन इज ऑल्सो नोन एज द टर्सरी स्ट्रक्चर्स और थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशंस। तो यहाँ पर कई सारे बॉन्ड क्या होते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो डेफिनेशन आपको दिया गया, मोर क्वाल देन सेकेंडरी स्ट्रक्चर्स एंड फॉर्म थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशंस। तो प्राइमरी और सेकेंडरी से ज्यादा ये क्वाइल्ड फॉर्म होगा, ज्यादा ऑर्गेनाइज होगा, ज्यादा सुपर क्वाइल्ड फॉर्म भी होंगे और ये थ्री डायमेंशनल कन्फर्मेशंस को क्या करता है, अचीव कर लेता है और फंक्शनल स्टेट ऑफ प्रोटीन के नाम से भी जाना जाता है, राइट। तो कौन कौन से बॉन्ड यहाँ पे इन्वॉल्व हो गए टर्सरी स्ट्रक्चर्स में, आप यहाँ पे इसको देख सकते हैं कि ये बॉन्ड है जो कि इन्वॉल्व होते हैं। तो हाइड्रोफोबिक जो होगा वो सबसे ज्यादा मेजर आपका नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के कैटेगरी में आने वाला क्या है, आपका बॉन्ड होता है टर्सरी स्ट्रक्चर्स में। इसके बाद लैटरल स्ट्रैटिक इंट्रैक्शन और हाइड्रोजन बॉन्ड एंड वंडरवॉल इंट्रैक्शन एंड कोवेलेंट बॉन्ड, दैट इज डाइसल्फाइड बॉन्ड। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड कोवेलेंट में सबसे ज्यादा प्रीडोमिनेंट होता है, जबकि हाइड्रोफोबिक इंट्रैक्शन सबसे ज्यादा नॉन कोवेलेंट बॉन्ड के फॉर्म में क्या होता है, आपका डोमिनेंट होता है टर्सरी स्ट्रक्चर्स में। तो ये डिफरेंट डिफरेंट केमिकल बॉन्ड्स होते हैं जो कि इन्वॉल्व होते हैं टर्सरी स्ट्रक्चर्स में, और इनमें से सबसे ज्यादा आपका दैट इज हाइड्रोफोबिक और कोवेलेंट। तो हाइड्रोफोबिक नॉन कोवेलेंट और कोवेलेंट में डाइसल्फाइड बॉन्ड दैट इज द कोवेलेंट। तो ये आपका दिखाया जा रहा है टर्सरी कन्फॉर्मेशन या टर्सरी स्ट्रक्चर्स ऑफ द प्रोटीन्स, जहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड, डाइसल्फाइड बॉन्ड या एनी बॉन्ड क्या होते हैं, पाए जाते हैं। ओके, तो आपने देखा कि बेसिकली सेकेंडरी स्ट्रक्चर में सिर्फ हाइड्रोजन और पेप्टाइड बॉन्ड था, जबकि यहाँ पे उसके अलावा 4 से 5 बॉन्ड और भी ज्यादा क्या हो गए, इन्वॉल्व हो गए। तो अब आते हैं हम लोग क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स पे। क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स बेसिकली क्या कहता है कि जब जैसा कि आपने टर्सरी स्ट्रक्चर का यहाँ पे देखा, जैसे एग्जाम्पल के रूप में मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन एग्जाम्पल किसका, दैट इज द टर्सरी स्ट्रक्चर्स का, राइट। तो मायोग्लोबिन सिंगल प्रोटीन्स की बनी हुई, सिंगल पेप्टाइड चेन की बनी हुई क्या होती है, प्रोटीन होती है। जब
more than two or more than two से ज़्यादे polypeptide chain tertiary conformation में जो होती हैं, अगर आपस में linked हो जाती हैं और वहाँ पे bond के through अगर जुड़े हुए होते हैं, तो ऐसे conformations को हम लोग क्या बोलते हैं, that is a quaternary structure. तो आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है कि two or more than two polypeptide interacted to each other and form quaternary structures. तो जो tertiary structures वाले proteins होती हैं या peptide chain होती हैं, इनकी संख्या जब दो हो या दो से ज्यादा हो जाए और आपस में दूसरे से इंटरेक्ट हो, तो ऐसे कंफर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर्स. यहाँ पे भी बेसिकली वो सारे बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं जो कि आपने पहले टर्शियरी स्ट्रक्चर में देखा हुआ है. तो हाइड्रोफोबिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक, हाइड्रोजन एंड वांडर वाल, ये सारे बॉन्ड यहाँ पे भी पाए जाते हैं, राइट. और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर है. जैसा कि आप जानते हैं कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स बेसिकली फोर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से क्या होता है, मिलकर के बना हुआ होता है, जैसा कि आप कलर भी यहाँ पे देख पा रहे हैं. तो ये अलग अलग पॉलीपेप्टाइड चेन है आपके ये, और आपस में जब ये जुड़े हुए होते हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज अ क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर. तो आपने देखा कि प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी, क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का क्या कॉन्सेप्ट होता है, कौन कौन से डिफरेंट केमिकल बॉन्ड इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से उनका फॉर्म आपका फेमस होता है और क्या उनके फीचर्स होते हैं. तो सबसे ज्यादा जो सवाल आपसे बनते हैं वो सेकेंडरी स्ट्रक्चर से, अल्फा और बीटा प्लेटेड सीट से, और टर्शियरी स्ट्रक्चर से जो बनने वाला सवाल है आपका वो क्या, ये कौन कौन से केमिकल बॉन्ड सबसे प्रीडोमिनेंट फॉर्म में पाए जाते हैं. तो आपने जाना कि बेसिकली यहाँ पे जो नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो कौन सा होता है, दैट इज द आपका हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस, और कोवेलेंट पे क्या है आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड. डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाने के लिए जो अमीनो एसिड रिस्पॉन्सिबल है वो क्या है आपका, सिस्टीन, जो कि सल्फर कंटेनिंग बॉन्ड होता है. तो सिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड बनाता है. डाइसल्फाइड बॉन्ड का मतलब होता है कि जो एस एच ग्रुप होते हैं, इसको आप थायरो ग्रुप भी बोलते हैं, दो एस एच ग्रुप आप अगर आपस में जब यहाँ पे जुड़ते हैं तो यहाँ पे एस टू ओ का क्या होता है, रिलीज हो जाती है, और फिर यहाँ पे आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड क्या होता है, बन जाता है. तो सिस्टीन एक अमीनो एसिड है जो इसके पास सल्फर ग्रुप कंटेनिंग होता है. सल्फर बेसिकली मिथियोनिन में भी होता है, बट मिथियोनिन आपका डाइसल्फाइड बॉन्ड नहीं बना पाता क्योंकि वहाँ पे एसएच नहीं रहता. तो इस हिसाब से आप यहाँ पे देखेंगे कि सिस्टीन एक ऐसा अमीनो एसिड है जो कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को बनाता है. ओके, तो इस तरीके से आपने देखा कि क्या क्या स्ट्रक्चर्स फॉर्म हो सकते हैं प्रोटीन्स के और उनके क्या क्या फीचर्स हो सकते हैं. तो प्रोटीन्स के सॉल्युबिलिटी और उनके स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया फाइब्रस प्रोटीन्स के बारे में और ग्लोबुलर प्रोटीन्स के क्लासेस में. तो फाइब्रस प्रोटीन्स क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं, रॉड शेप्ड होते हैं और इनसॉल्युबल इन वाटर होते हैं. और इनके एग्जाम्पल्स क्या है, कोलेजन्स हैं, केराटिन्स हैं, फाइब्रिन्स हैं. ये सारे जो प्रोटीन्स हैं वो एग्जाम्पल किसके हैं, फाइब्रस प्रोटीन्स के हैं. ओके, इसके बाद आता है आपका ग्लोबुलर प्रोटीन्स जो कि बेसिकली क्या होता है, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं, स्फेरिकल नेचर का होता है और वाटर में क्या होते हैं, ये सॉल्युबल होते हैं. हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन से एग्जांपल किसके हैं, आपके ग्लोबुलर प्रोटीन्स के हैं. ओके, तो कोलेजन से आपसे कई बार सवाल पूछे जा चुके हैं एग्जाम से, इसलिए हम इसको इंक्लूड करते हैं. तो कोलेजन क्या होता है, सबसे ज्यादा एनिमल की बॉडी में, मीन्स वर्टिब्रेटा की बॉडी में पाए जाने वाला जो प्रोटीन्स है वो क्या है, दैट इज द कोलेजन प्रोटीन्स. स्किन में पाए जाने वाले प्रोटीन्स को स्ट्रक्चरल प्रोटीन के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं. तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन्स इन वर्टिब्रेट्स, दैट इज द कोलेजन, राइट. और स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स इन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, तो ये भी आपको स्टेटमेंट अच्छा इन्फॉर्मेशन देखे जाएगा. फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ कोलेजन इज ट्रोपोकोलेजन. ट्रोपोकोलेजन यूनिट से मिलकर के आपका कोलेजन मॉलिक्यूल्स क्या होता है, बना होता है. और ये थ्री कॉइल्ड पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बने होते हैं. और इन थ्री पॉलीपेप्टाइड चेन में जो रिपीटिंग ट्राइपेप्टाइड यूनिट होती है वो ग्लाइसिन एक्स एंड वाई होता है, जहां पर आपका जो X है वो क्या है, आपका प्रोलीन है, और Y क्या होता है, आपका हाइड्रोक्सी प्रोलीन माना जाता है. तो सबसे इम्पॉर्टेंट आपका जो यूनिट है वो ये है. कई बार एग्जाम में यहाँ से पूछा गया कि कोलेजन में ये जो ट्राइपेप्टाइड रिपीटेड यूनिट होती है उसमें X और Y क्या रिप्रेजेंट करता है. तो आपने यहाँ पे देखा, दैट इज द प्रोलीन एंड हाइड्रोक्सी प्रोलीन. प्रोलीन और हाइड्रोक्सी प्रोलीन, ये दो अमीनो एसिड्स क्या करते हैं, इसको रिप्रेजेंट करते हैं. X रिप्रेजेंट करता है प्रोलीन को और वाई रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोक्सी प्रोलीन को. एस्कॉर्बिक एसिड जो कि विटामिन सी का फॉर्म होता है वो इसेंशियल होता है कोलेजन के सिंथेसिस के लिए. तो यही कारण है कि जब आपकी बॉडी में विटामिन सी की कमी हो जाती है तो आपके स्किन जो होते हैं वो फटने लगते हैं, जिसको आप स्कर्वी डिजीज के नाम से भी जानते हैं. ओके, केराटिन प्रोटीन्स जो कि हेयर की प्रोटीन्स मानी जाती है. तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि ये क्या है, इंटरमीडिएट फिलामेंट होता है यूकैरियोटिक सेल्स के लिए. और बेसिकली ये हेयर्स में, वूल्स में, फिदर्स में, नेल्स में, हॉर्न्स में, हूव्स में, इन सब में क्या होता है, पाया जाता है. डायरेक्टली आपसे सवाल एग्जाम्स में यही पूछ दिया जाता है, यही ऑप्शन दे दिया जाएगा, पूछा जाएगा कि इनमें पाया जाने वाला जो प्रोटीन्स है उसका नाम क्या होता है. तो आप यहाँ पे बताएंगे, दैट इज द केराटिन प्रोटीन्स. ओके,
तो प्रोटीन्स जो क्रिएटिन प्रोटीन्स है उनके दो फॉर्म होते हैं, अल्फा क्रिएटिन्स और बीटा क्रिएटिन्स। तो इनके बारे में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अल्फा जो क्रिएटिन प्रोटीन होती है वो टफ होती है और इनसॉल्युबल होती है, जबकि बीटा वाला जो होता है सॉफ्ट होता है और फ्लेक्सिबल होता है। और यहाँ पे अल्फा हेलिक्स का कन्फॉर्मेशन होता है, जबकि यहाँ पे एक्सटेंडेड चैन होते हैं, प्रोटोफाइब्रिल्स होते हैं, यहाँ पे एंटी पैरेलल बीटा प्लेटेड सीड्स होती हैं, और सिस्टीन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो अमीनो एसिड्स होता है वो अल्फा क्रिएटिन में, और एलानिन और ग्लाइसिन क्या है आपका बीटा क्रिएटिन में पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली जो प्रोटीन्स होता है, जो अमीनो एसिड्स होते हैं, उनका क्या क्लासिफिकेशंस है और किस तरीके से वो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब हम लोग आते हैं हीमोग्लोबिन पे, जो कि आपका क्वार्टरनरी स्ट्रक्चर का एक एग्जाम्पल है। तो हीमोग्लोबिन बेसिकली एक ओलिगोमेरिक एलोस्टेरिक और कॉन्जुगेटेड प्रोटीन्स होती है, जो फोर डिफरेंट पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है, या कह सकते हैं कि फोर पॉलीपेप्टाइड चेन से मिलकर के बनी होती है। इसमें टू अल्फा होता है, टू क्या होते हैं बीटा होते हैं, और आपस में ये नॉन कोवेलेंट बॉन्ड से क्या होते हैं जुड़े हुए होते हैं। और इनका जो कॉन्जुगेटेड चूंकि प्रोटीन्स है, तो यहाँ पे बेसिकली क्या होगा आपका नॉन प्रोटीनियस पार्ट भी होता है, जैसा कि आप जानते हैं पहले से ही। तो यहाँ पे जो नॉन प्रोटीनियस पार्ट होगा वो क्या होगा, दैट इज द हीम। तो हीम इनका क्या है, प्रोस्थेटिक ग्रुप होता है। तो हीम क्या है, एक पोरफायरिन रिंग होती है, जिसमें सेंट्रल जो मेटल होता है वो क्या होता है आयरन होता है, और आयरन यहाँ पे +2 फॉर्म में भी होता है और कभी कभी +3 फॉर्म में भी पाया जाता है। तो इस तरीके से आपने देखा कि बेसिकली ये क्या होते हैं, और यहाँ पे जो पेप्टाइड चेन होते हैं वो टू अल्फा होते हैं और टू बीटा चेन होती है। अल्फा जो चेन होती है वो बेसिकली 141 अमीनो एसिड्स कंटेन करती है, जबकि बीटा जो चेन होती है वो 146 अमीनो एसिड्स कंटेन करती है। तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स अगर आपको निकालना है, तो आप 141 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन अल्फा चेन, एंड नंबर ऑफ 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन बीटा चेन निकल जाएगा, और फिर दोनों को सम कर देंगे तो जो वैल्यू आएगी वही आपका टोटल नंबर ऑफ अमीनो एसिड्स इन हीमोग्लोबिन हो जाएगा। फंक्शंस क्या क्या रोल प्ले करता है, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को भी ट्रांसपोर्ट करता है, और बफर का भी क्या करता है, ये काम करता है। तो बफर का मतलब होता है कि बेसिकली जो स्लाइटली एसिडिक एसिड या बेस के एडिशन से उस मीडियम के पीएच वैल्यू को चेंज होने से बचाता है या रजिस्ट करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, बफर बोलते हैं। ओके, तो ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन जो कर्व है वो क्या कहता है और किस तरीके से इसका नेचर होता है, क्या इसका पैटर्न होता है, इसके बारे में हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि बेसिकली जो हीमोग्लोबिन होता है वो दो स्टेट में पाया जाता है, टी स्टेट्स में और आर स्टेट में। तो टी स्टेट का मतलब होता है टेंस और आर का मतलब होता है रिलैक्स। तो टेंस स्टेट का मतलब होता है कि जब हीमोग्लोबिन कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है बाइंड किया हुआ होता है, जिसे आप डीऑक्सी हीमोग्लोबिन स्टेट बोलते हैं, उस स्टेट में क्या बोलते हैं उसको, टी स्टेट। तो टी स्टेट रिप्रेजेंट किसको करता है, दैट इज द कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में हीमोग्लोबिन को बाइंड किया हुआ, और आर स्टेट जो होता है रिप्रेजेंट किसको करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन को, मीन्स जब हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल ऑक्सीजन से बाइंड किया हुआ रहता है तो उस स्टेट को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज द ऑक्सी हीमो आर स्टेट। तो आर स्टेट ऐसा स्टेट है जहां पे ऑक्सीजन की सबसे ज्यादा एफिशिएंसी होती है हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल से बाइंड करने की। ओके, तो आपका यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं इस डिसोसिएशन कर्व को समझने के लिए, तो इसको हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं ग्राफ के हेल्प से, और जो कि ग्राफ बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे ज्यादा जो फैक्टर है वो बेसिकली क्या होता है आपका, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, मींस जितना ज्यादा आपका पार्शियल प्रेशर होगा ऑक्सीजन का, उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल क्या करेंगे, बाइंड करेंगे। बट इसके अलावा भी यहाँ पे फैक्टर्स आपको दिखाए जा रहे हैं, दैट इज द पीएच, टेम्परेचर एंड बीपीजी, मींस बिस्फोस्फोग्लिसरेट। ये तीन फैक्टर हैं जिनके वजह से ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो बाइंडिंग होती है वो अफेक्ट होती है, और उनके बाइंडिंग होने की वजह से ये जो कर्व आपको यहाँ पे दिखाया जा रहा है, प्लॉट आपको जो दिखाया जा रहा है, इनमें लेफ्ट एंड राइट में क्या होती है, शिफ्टिंग होती है। तो इस प्लॉट को आप बहुत अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको श्योर एंड सर्टेन एग्जाम्स में क्वेश्चन आपको देके ही जाएगा। ये जो पहली चीज, तो ये आपको जो ग्राफ दिखाई दे रहा है, मीन्स ये प्लॉट दिखाई दे रहा है, इसको सिग्मॉइड नेचर बोलते हैं। कैसा बोलते हैं, सिग्मॉइडल नेचर। तो सवाल आपसे पहले तो यही पूछा जाता है कि ये जो ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन का जो कर्व होता है, जो ग्राफ होता है, उसका नेचर कैसा होता है, तो सिग्मोइडल बोलते हैं इसको। ऐसा इसलिए क्योंकि आप जानते हैं कि बेसिकली एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल चार ऑक्सीजन से क्या करता है, बाइंड करता है, राइट। एक सिंगल हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल एच बी कैन बाइंड विद मैक्सिमम 4 O2 मॉलिक्यूल्स। ओके,
तो जब एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से यहाँ पे बाइंड कर जाता है, तो सॉरी, जब एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल यहाँ पे बाइंड कर जाता है, तो बेसिकली दूसरे वाले ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को बाइंड करने की एफिशिएंसी हीमोग्लोबिन की क्या होती है, बढ़ जाती है। ऐसे ही जब दूसरा वाला बाइंड कर जाएगा तो तीसरे वाले के लिए क्या होती है, बढ़ जाती है। तीसरा वाला बाइंड करेगा चौथे वाले के लिए क्या होती है, बढ़ जाती है। तो जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन में बाइंड करते जाते रहते हैं, वैसे वैसे बेसिकली हीमोग्लोबिन की एफिशिएंसी क्या होती है, ऑक्सीजन से बाइंड करने की बढ़ती रहती है। इस मेथड को कोऑपरेटिव मेथड के नाम से भी जाना जाता है, जिसकी वजह से आपका ये जो ग्राफ यहाँ पे दिख रहा है वो कैसा दिखता है, स्ट्रेट ना होकर के सिग्मोइडल दिखता है, राइट। तो इसके पीछे का रीजन जो है वो बेसिकली यही है कि ऑक्सीजन की बाइंडिंग और फर्दर मॉलिक्यूल्स के लिए हीमोग्लोबिन का वो एफिशिएंसी बढ़ा देती है। अब यहाँ पे देखिए, अगर ये प्लॉट ये जो ग्राफ है आपको यहाँ पे कर्व जो दिखाई दे रहा है, ये जो कर्व जितना ज्यादा इस एक्सिस के नियरर में होगा उसकी वो एफिशिएंसी ज्यादा होगी, लेफ्ट हैंड साइड को रिप्रेजेंट करता है। तो लेफ्ट हैंड साइड में मूव होने का मतलब हुआ एफिशिएंसी बढ़ रही है। ये आपको जो एक्सिस है वो ऑक्सीजन का हीमोग्लोबिन से सेचुरेशन दिखा रहा है, दैट मींस कि कितना ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स हीमोग्लोबिन से क्या किए हुए हैं, बाइंड किए हुए हैं। और ये आपका बताता है दैट इज द पार्शियल प्रेशर ऑफ हीमो ऑक्सीजन। तो जितना ज्यादा पार्शियल प्रेशर बढ़ेगा उतना ज्यादा हीमोग्लोबिन के मॉलिक्यूल्स क्या करेंगे, ऑक्सीजन से बाइंड करेंगे। ये नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट होता है। ओके, तो इस तरफ का शिफ्टिंग मींस लेफ्ट हैंड के साइड के शिफ्टिंग जो बताता है वो क्या दिखाता है, हाई एफिशिएंसी को बताता है, जबकि राइट हैंड साइड के की तरफ का जो शिफ्टिंग होती है वो रिड्यूस्ड एफिशिएंसी को या एफिनिटी को दिखाता है, राइट। तो आपको दिखाया जा रहा है पहला फैक्टर यहाँ पे पीएच का है कि पीएच का क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो जैसे जैसे आप पीएच बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे जो एफिनिटी होती है हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड करने की वो क्या होती है, बढ़ती जाती है, राइट। तो एफिनिटी सॉरी पीएच में और हीमोग्लोबिन का ऑक्सीजन से बाइंड करने में जो रिलेशन है वो कैसा है, दैट इज द डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जब आपकी एफिनिटी बढ़ेगी तो ये जो कर्व होगा वो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो पीएच बढ़ने का मतलब हुआ कि वहां पे एस प्लस आयन का कंसेंट्रेशन आप कम कर रहे हैं। तो यही आपको यहाँ पे लिखा हुआ है कि जब एस प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कम होगा तो बेसिकली ये कर्व लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, शिफ्ट हो जाएगा। और एस प्लस का आयन का कंसेंट्रेशन जब बढ़ेगा तो बेसिकली ये कहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, राइट हैंड साइड में, मीन्स एफिनिटी कम हो जाएगी। दूसरा आपको दिया गया टेम्परेचर, टेम्परेचर को अगर आप कम करते हैं तो एफिनिटी क्या होती है, बढ़ती है, और टेम्परेचर को अगर आप बढ़ाते हैं तो एफिनिटी क्या होती है, घटती है। तो मीन्स टेम्परेचर में जो रिलेशन है वो कैसा है, दैट इज द इनवर्सली प्रोपोर्शनल का, किससे, हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग एफिनिटी का। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो शिफ्ट कहाँ पे होगा, लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब एफिनिटी बढ़ेगी। टेम्परेचर अगर आपका इंक्रीज होगा तो उस टाइम पे शिफ्ट कहाँ पे होगा, राइट हैंड साइड में, मीन्स एफिनिटी घटेगी। वैसे ही बीपीजी का भी है, बीपीजी बेसिकली एक आरबीसी के मॉलिक्यूल्स में, मीन्स आरबीसी सेल्स में जब ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस होती है तो वहां पे बनने वाला क्या है, एक मॉलिक्यूल होता है, राइट। तो ये बीपीजी भी जो होता है उसका कंसंट्रेशन भी ऑक्सीजन से हीमोग्लोबिन के बाइंडिंग एफिनिटी पे क्या करता है, अफेक्ट डालता है। कैसे, अगर बीपीजी का कंसंट्रेशन आपका कम होगा तो बाइंडिंग एफिनिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इसका मतलब यहाँ पे भी रिलेशन कैसा हो जाएगा, दैट इज द इनवर्सली हो जाएगा। तो आपकी बॉडी में बीपीजी का ज्यादा बनना वो ठीक नहीं है, राइट। तो बीपीजी का अगर परसेंटेज कम रहेगा, लेवल कम रहेगा, तो मैक्सिमम से मैक्सिमम ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन से क्या करेंगे, बाइंड करेंगे, और कर्व आपका शिफ्ट कहाँ पे हो जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन का जो डिसोसिएशन कर्व है उसमें क्या कॉन्सेप्ट होता है, लेफ्ट हैंड साइड का शिफ्टिंग क्या बताता है, राइट हैंड साइड का शिफ्टिंग क्या बताता है, कौन कौन से वो फैक्टर होते हैं जो कि आपका बेसिकली इस डिसोसिएशन कर्व को अफेक्ट कर सकता है। तो आपने देखा कि पीएच है, टेम्परेचर है, बीपीजी है। पीएच वाले रिलेशनशिप को बोहर इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है, राइट। बोहर इफेक्ट का मतलब ये हुआ कि जब आप पीएच को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं तो उसका जो हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन की जो बाइंडिंग है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसी को आप बोहर इफेक्ट के नाम से जानते हैं। ओके, सो आज की क्लास में आपने देखा कि बेसिकली जो अमीनो एसिड्स हैं उनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, उनके आर ग्रुप के बेसिस पे, प्रोटीन क्या है, पेप्टाइड बॉन्ड की प्रॉपर्टीज क्या होती है, और इसके बाद आपने देखा कि प्रोटीन का क्लासिफिकेशन किस तरीके से किया गया, कौन कौन से बॉन्ड इन्वॉल्व हुए, कौन कौन से इंपॉर्टेंट प्रोटीन थे जिनके बारे में आपको एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, और अगर आप
KBS PGT का या CSIR नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अगर आप ऑनलाइन क्लास करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे कॉल करके अपनी जानकारी को कंप्लीट कर सकते हैं 8318917792। इस नंबर पे आप कॉल करेंगे तो आपको कॉल के बाद आपकी जो भी क्वेरी होगी उसको आपको कंप्लीट किया जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड हैं ऑनलाइन क्लास में को ज्वाइन करने के लिए तो एक ग्रुप है, उस ग्रुप में आपको ऐड कर दिया जाएगा जहां पे सारी की सारी डिटेल्स आपको मिलती रहती है, राइट। जैसे डेली के क्लास लिंक की जो क्लासेस का जो लिंक होगा वो आपको मिलता रहेगा, बाकी आपके जो सॉफ्ट नोट्स होते हैं वो आपको मिलते रहते हैं, बाकी जो वीकली टेस्ट वगैरह होते हैं उन सब के बारे में इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। ओके, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।